दिस इज़ अ वर्क ऑफ इंग्लिश ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश की एंड पर जो पोर्शन है उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन बनाए वहाँ पर आपने ये वाला जो है अपना होमवर्क करना है प्रपोजिशंस हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन हम किसको कहते हैं प्रपोजिशन आर वर्ड्स विच लिंक नाउंस प्रो नाउन्स एंड फ्रेजिज टू ईच अदर वर्ड्स टू अदर वर्ड्स इन अन्टेंस प्रपोजिशन क्या होती हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक लिंक डेवलप करते हैं नाउन में प्रोनाउन में और फ्रेजेस में डिफ़रेंट वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस के इनको आपस में जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि ये चीज़ जो है कहाँ पड़ी है एग्जैक्ट जगह जो है एक जगह एक चीज़ की बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे ये इसकी एक छोटी सी एक्स्ट्रा uh, डेफिनेशन है कि आप ये भी कह सकते हैं या समझने के लिए अपना ये भी कह सकते हैं कि प्रपोज़िशन जो है हमें जगह बताते हैं कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली exactly कहाँ पड़ी हुई है ठीक हो गया उसकी पोजीशन बताते हैं किसी भी चीज़ की पड़े होने की ठीक हो गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नीचे uh, कुछ सेंटेंसेस हैं इनमें जितनी भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब प्रेपोजिशंस हैं लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस अली इज़ कमिंग फ्रॉम कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट अली जो है आ रहा है घर आ रहा है कहाँ से आ रहा है फ्रॉम द मार्केट मार्केट से आ रहा है ठीक है फ्रॉम हमें ये बता रहा है कि कहाँ से फ्रॉम द मार्केट ठीक हो गया द टीचर रोड डैश द ब्लैक बोर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड कहाँ लिखा जगह बताई हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड ठीक है अगर मैं ये हटा दूँ ऑन में हटा दूँ तो मैं आपसे पूछूँ कि अली अगर यहां मैं ऑन हटा दूँ लेट सपोज ये ऑन हट गया द टीचर रोड डैश द ब्लैक बोर्ड आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला कहाँ वो लिखा टीचर ने क्या किया टीचर ने नो एक वर्ड ऐड करने से हमें उसकी पोजीशन पता लगी कि कहाँ लिखा टीचर ने और एक लिंक बना सेंटेंस के अंदर वर्ड्स के आपस में कि प्रपोजिशन जो हैं वो हैं क्या कि सेंटेंस का मतलब एक्चुअली है क्या ठीक हो गया किस तरह से ये हुआ एक प्रपोजिशन जो है वो ऐड करने की वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो गया आयशा रैन क्विकली अप हिल्स कहाँ गई वो भाग कर अप दिल हिल हिल के ऊपर पहाड़ के ऊपर टोनी ट्रिप्ट एंड रोल डाउन द हिल वो टोनी जो है वहां से रोल करता हुआ बल खाता हुआ जमीन के पहाड़ से नीचे की तरफ आया कहाँ आया नीचे की तरफ आया डाउन द दे हिल देर इज अ माउस इन द किचन यहाँ पे किधर है माउस इन द किचन किचन के अंदर है ठीक है अगर आप बोले ऑन द किचन तो किचन के ऊपर होगा हालांकि ऐसा सेंस नहीं बनता सेंटेंस का हमें पता है कि चूहा जो है किचन के ऊपर तो नहीं हो सकता किचन के अंदर हो सकता है सो वी ट्राई डाउन देर इज़ माउस इन माई किचन ठीक है अली वॉज टर्निंग हिज कार्ड कारू वर्ड्स राइट अली जो है अपनी गाड़ी मोड़ रहा था किस तरफ राइट right की तरफ मोड़ रहा था किस तरफ टू वर्ड्स राइट ठीक है अली केम अली केम बिफोर आयशा टूडे मैंने दो बार केम लिखा है दिस इज अ टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक ये एक कार्ड थे केम अली केम बिफोर आयशा टूडे कब आया उससे पहले आया ठीक हो गया अमंग ऑल द स्टूडेंट्स उमर इज़ हार्ड वर्किंग सब बच्चों जो सब मेहनती बच्चों सब बच्चों में से उमर जो है वो एक मेहनती बच्चा है सो आई होप थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा प्रपोजिशन का सो so इसको इसी तरह से समझने की कोशिश करनी है ये जितने ब्लैंक्स हैं ये प्रपोजिशन हैं प्रपोजिशन होते क्या हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन ट्रो नाउन फ्रेजेस एक जो सेंटेंस uh, के अंदर वर्ड्स होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं इनको जोड़ते हैं जोड़ के हमें मतलब बताते हैं कि पूरे सेंटेंस का क्या एग्जैक्ट मतलब है ठीक है प्लस हमें जगह बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ये अपनी आसानी के लिए अपनी समझ के लिए आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हमें जगह बताते हैं कोई भी चीज़ की कि कहाँ पे जो है हमें आ, कोई भी चीज़ जो है वो मिल सकती है दिस इज ऑल टूडे फॉर टुडे आई होप यू आपको क्लियर है कि आपने इसको इंग्लिश ग्रामर की कॉपी पर करना है वो कौन सा पोर्शन है मॉडर्न इंग्लिश के एंड पे जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर टेक केयर सो मच टेक केयर अल्लाह अल्लाज